कल आप लोगों का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला, हमने कल शाम को हमने चैनल लॉन्च किया, हमारे लगभग 1000 सब्सक्राइबर हो गए। अब हम जा रहे हैं जिम, ये हमारे गांव का इकलौता जिम है, हार्डकोर जिम। यहाँ पे फिर जो जोगिंदर हैं शूट करेंगे वीडियोस आपको दिखाने के लिए कि बॉडी कैसे बनानी है। मैं तो जिम में आके ना जोगिंदर ऐसा महसूस करता हूँ जैसे पक्षी तैरने के लिए आ गया हो। पक्षी तैरने के लिए क्योंकि मेरा जिम से कोई लेना देना रहा नहीं ना कभी। होना चाहिए मगर। कल कोई कमेंट्स में कह रहा था यार, बड़ा मैंने कमेंट, बहुत सही कमेंट कि आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि 40 से ऊपर वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, बहुत जरूरी है वेट ट्रेनिंग। मसल्स जब मजबूत होंगे आपके तो आपका जो वेट है वो पूरा जॉइंट्स पे नहीं आएगा, मसल्स उसको बांट लेते हैं, तो वो एक ढांचे की तरह काम करेगा, ढांचे की तरह काम करते हैं, तो आपके जॉइंट्स भी लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, चाहे उसकी कोई भी एज हो। तो यहाँ पर हम फ्री वेट्स की ट्रेनिंग देंगे, डंबल और बारबेल से जितनी भी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं उसकी ट्रेनिंग मैं यहाँ पर दूंगा। बेंच प्रेस यहाँ अवेलेबल है, इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट वो कैसे करना है, स्क्वाट्स कैसे करना है मैं वो यहाँ बताऊंगा। बहुत सी मशीनें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि पेक डेक नहीं है, लेग पुल डाउन नहीं है, एक मशीन होती है बैक की एक्सरसाइज के लिए, और सीटेड रो नहीं है, शोल्डर प्रेस नहीं है, तो उसके लिए फिर हम दूसरी जिम में जाकर के ट्रेनिंग करवाएंगे। तो एक बात बताओ, कोई इंसान घर में बस पुशअप करके अपने आप को फिट नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता है, लेकिन क्या होता है कि जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है तो वो पुशअप्स जैसी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते, तो उनके लिए फिर मशीनों पे वर्कआउट करना जरूरी हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब उनका वेट कम होता है तो वो पुशअप्स वगैरह कर पाते हैं। जैसे पुलअप्स करना है किसी को, अब उसका वेट इतना ज्यादा है तो वो पुलअप कैसे करेगा, तो उसके लिए लेग पुल डाउन मशीन होती है जो उसकी बैक को ट्रेन करती है। तो ले देके मतलब हम 2-3 तरह के वीडियोस बनाएंगे, मुझे जो समझ में आ रहा है। तो फ्री वेट्स वाले कैलिस्थेनिक, कैलिस्थेनिक हो गया आपका जो बॉडी वेट, यानी कि पुशअप्स और उस तरह के, ये दो वीडियो। तीसरा आप कह रहे हो कि कोई हम फैंसी जिम ढूंढे जहाँ पे सारी मशीनें हो, तो अब हम नया जिम एक और ढूंढते हैं, उसके लिए हमें गांव से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर बाकी की शूट वहां से करते हैं। जोगिंदर ने ना मुझे फंसा दिया है कि मुझे जिम आना चाहिए और हम ट्रेनिंग वीडियोस बनाएंगे मेरे पे एक्सपेरिमेंट करके। देखो मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ, योगा आसन करता हूँ जी, और उसमें खाता पीता मैं अच्छा हूँ। योगा आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी फिटनेस का एक पार्ट है, कंप्लीट फिटनेस नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी, इसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ कि मुझे सप्लीमेंट तो नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, नहीं, वो नहीं, तो मैं नहीं लूंगा। नहीं, आप जो डाइट लेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसी से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाएं। मैं ना परसों एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं होल फूड प्लांट बेस्ड वाली जी, उनसे बात कर रहा था, वो तो बिल्कुल ही सप्लीमेंट्स वगैरह के अगेंस्ट है, बल्कि वो कह रही थी आप तो फ्रूटेरियन डाइट जो है, जरा फल जो खाते हैं उस पर भी बॉडी बना सकते हो, क्योंकि भाई हर सेल में प्रोटीन होता है। फ्रूटेरियन डाइट से आप जीवित रह सकते हैं और बिना किसी बीमारी के आप जीवित रहेंगे, लेकिन आप चाहें कि आप मसल्स बना लें, अपने आप को स्ट्रांग बना लें फ्रूटेरियन डाइट से, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक सेकंड, जो फ्रूटेरियन डाइट आप कह रहे हो उस पर आप जीवित रह सकते हो, उससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा? फ्रूट्स में बहुत कम प्रोटीन होता है। अगर आप थोड़ा मजबूत रहना चाहते हैं कि मैं अच्छे से वेट उठा पाऊँ, अच्छे से दौड़ भाग कर सकूँ, मेरे मसल्स स्ट्रांग रहें, तो उसके लिए फ्रूटेरियन डाइट ठीक नहीं है ना। अधिकांश लोग बैठे रहते हैं वो तो यही कह के मीट खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए, तो उन्हें नहीं चाहिए इतना प्रोटीन, उन्हें नहीं चाहिए ना इतना प्रोटीन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई शारीरिक काम करते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर तय होती है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन। तो आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिट रहना है, खूब मस्कुलर, तो आपको जी प्रोटीन चाहिए। लेकिन वो प्रोटीन आपको एनिमल से नहीं चाहिए जरूरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्लांट बेस्ड चीजों से आपका प्रोटीन जितना आपको चाहिए उतना मिल जाएगा, बिना सप्लीमेंट्स के? बिना सप्लीमेंट्स के मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि सप्लीमेंट्स हम लेते हैं ताकि खाने की क्वांटिटी कम हो जाए। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो आपको चीज़ों को ज़्यादा खाना पड़ेगा। और उससे क्या नुकसान है? उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, तो अब आप कह रहे हो जैसे आप मुझे जिम कराते हो तो मेरी डाइट बढ़ेगी? और थोड़ी बढ़ेगी, और अगर आप सप्लीमेंट ऐड करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। नहीं, पर मैं सप्लीमेंट तो करूंगा ही ना। देखो मैं तो ये कि मैं अपने खेत का उगा खाना खाना चाहता हूँ, मेरी तो सब्जी सारी खेत की होती है। थोड़ी सी आपकी डाइट बढ़ेगी तो अब कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हमें करना ही है। तो मुझे कौन सा आपके जैसा बनना है? मुझे तो यही है ना कि भाई चलो, मेरे को जैसे हाइकिंग का शौक है जी, तो भाई टांगों की मसल्स बन जाती हैं तो घुटनों पे लोड कम पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या खाता हूँ मैं जोगिंदर के साथ शेयर करूंगा, आपके साथ भी शेयर करूंगा। बिल्कुल।
अब मैं, जोगिंदर, दौलत राम जी आए हैं, एक और जिम यहाँ पे दिख रहा है, ये बीटी जिम, और वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ मशीनें होनी चाहिए पूरी। देखो हिमाचल भी जैसा दिखने लगा कि 4 लेन हाईवे बना रहे हैं, बढ़िया डेवलपमेंट करेंगे, लग ही नहीं रहा हिमाचल में हम। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सारी मशीनें हैं जो जोगिंदर जी को चाहिए। इन्होंने 2 महीने लगा के वापस उस शेप में आना है जिस शेप में ये थे। ये जो शेप में आने से ना मुझे थोड़ा फनी लगता है, क्योंकि मैं एक समय में था करीब 78 किलो का, एकदम गोल, मैं कहता हूँ गोल की शेप सही शेप में आने अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको बड़े मसल्स पे काम करना चाहिए, जैसे कि स्क्वाट्स, लेग्स पे काम करना चाहिए, बैक पे काम करना चाहिए, बैक भी बॉडी का बड़ा मसल होता है। अब हम आपको दिखाएंगे कौन सा स्क्वाट्स लगाने का सही तरीका। हम स्क्वाट्स से वर्कआउट शुरू करते हैं। आपने देखा होगा लड़के जिम में जाते हैं और सबसे पहले उनको बाइसेप्स फुलाने, चेस्ट फुलाना जो दिखता है, क्योंकि दिखता है, आपके जो लेग्स है वो दिखाई नहीं देते तो वो उन पर काम नहीं करते। लेकिन हमें शुरुआत पैरों से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी की नींव है। पैर जितने ज्यादा मजबूत होंगे आप उतने ज्यादा मजबूत होंगे। तो हमेशा वर्कआउट की जो एक्सरसाइज की शुरुआत होती है वो पैरों से होती है। धीरे धीरे हम बड़े मसल से छोटे मसल की ओर जाते हैं। बड़ा मसल ज्यादा एनर्जी मांगता है, तो आप जब शुरुआत करेंगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो बड़ा मसल आप पहले ट्रेन करेंगे, फिर बाद में जो छोटे मसल्स हैं वो आप आराम से ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि वो कम एनर्जी उनमें लगती है। कल मैं दूसरी लेग्स की एक्सरसाइज बताऊंगा। पहले मैं लेग कवर करूंगा, फिर बैक, फिर चेस्ट। ऐसे हर रोज एक वीडियो हमारा अपलोड होगा। तो आज वाला जो आएगा वीडियो स्क्वाट का, वो आएगा हमारे इंस्टाग्राम पे। अब मैं और जोगिंदर जाने लगे हैं जिम। तो मैं ये चाह रहा था कि भाई मेरा घर पे ही फ्री वेट्स और बॉडी वेट से काम चल जाए, पर इनके अनुसार कि भाई क्योंकि मैं बिगनर हूँ तो जो एक्सरसाइजेज मशीन पे होती हैं उससे थोड़ी मसल बिल्ड हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे अभी भी आपने बताया कि पुलअप्स करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनमें दिक्कत आती है, तो हम जिम में जाएंगे, मैं आपकी अभी स्ट्रेंथ देखूंगा कि कितनी है आपकी स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको घर पे वर्कआउट करना चाहिए या जिम आना आपके लिए जरूरी। अब मैं यहाँ पे आया, जोगिंदर ने जी पहले तो मेरे को कराई मोबिलिटी ट्रेनिंग, फिर कराया वार्म अप, वो मुझे बता रहे हैं कि कैसी चीज, कैसे शुरू करनी एक्सरसाइज, फिर क्या करना है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि भाई अभी मेरा जो चैनल है फिटनेस चैनल नहीं है, तो वो जो सब पार्ट है ना, हम उसका एक लंबा वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, जिन्होंने देखना है वहां पे देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्कआउट मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, वर्कआउट मेरी जिंदगी नहीं है। बिल्कुल ठीक है।